वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें। नाज़रीन, वैसे तो दीन इस्लाम में जद्दोजहद यानी संघर्ष को ही दीन इस्लाम में जिहाद कहा जाता है। ये संघर्ष, ये जद्दोजहद, फिर चाहे ये जिहाद दो वक्त की रोटी कमाने के लिए हो या फिर अपनों की हिफाजत के लिए, या फिर आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं, जब एक बाप अपने बच्चों की रोटी और रोजगार के लिए अपने घर से बाहर निकलता है तो वो भी एक तरह के जिहाद के लिए निकलता है। और जिस जिहाद के नाम पर आज मेनस्ट्रीम मीडिया अपने खबरों में मसाला लगाती है, दरअसल मीडिया को यह मालूम ही नहीं कि भारत की आजादी के लिए और अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए बकायदा जिहाद का फतवा जारी किया गया था। उलेमाओं ने जब जिहाद का फतवा जारी किया तब भारत की बड़ी मुस्लिम आबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावती सुर छेड़ दिए थे और अंग्रेज धीरे धीरे भारत को छोड़ने पर मजबूर होने लगे थे। लेकिन आज हर चीज को जिहाद का नाम देना फैशन बन चुका है। मतलब अगर किसी मुसलमान ने हिंदू लड़की से इश्क कर लिया तो ये लव जिहाद है। कोरोना में एक दो दाढ़ी या टोपी वाले मुसलमान पाए गए तो कोरोना जिहाद। किसी मुस्लिम शख्स ने अगर पढ़ाई लिखाई में महारत हासिल कर ली तो एजुकेशन और यूपीएससी जिहाद। किसी मुसलमान ने जमीन खरीद ली तो लैंड जिहाद। मुस्लिम देशों का तेल आए तो तेल जिहाद। न जाने इस तरह के कितने जिहादों की उत्पत्ति हमारे देश भारत के उन लोगों ने की है जिन्हें जिहाद का असली मतलब तक मालूम नहीं। इसमें हमारे देश के गोदी मीडिया को तो सलाम ही है। मानो गोदी मीडिया के स्टूडियो से ही इन तरह के जिहादों को पैदा किया गया है। आपको बता दें कि इकोनॉमी जिहाद भी इसी मीडिया की पैदाइश है। अब भारत में एक और नया जिहाद सामने आ रहा है। यह जिहाद है मॉल जिहाद। इस वक्त हिंदुत्ववादी संगठनों ने मुस्लिम देशों की ईद से ईद बजाने की कसम खा रखी है, जबकि इससे अलग हमारे देश के वजीर आजम यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुस्लिम देशों से अपने संबंध गहरे करने की कवायद में लगे रहते हैं। मुस्लिम देशों से दोस्ताना याराना कायम रहे, इसके लिए नुपुर शर्मा को सड़क छाप तक साबित कर दिया गया। अब मोदी जी जहां भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, वहीं कुछ हिंदुत्ववादी संगठन मोदी जी के सपनों पर मानो पानी फेर रहे हैं। आज भारत में मुसलमान होना एक समस्या के तौर पर देखा जा रहा है। भारत में इस वक्त कुछ लोग मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने का ट्रेंड चला रहे हैं। यूपी वाले मुख्यमंत्री ने जहां बुलडोजर को अपनी पहचान बना लिया है, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी खुद को पूरी दुनिया के सामने विश्व गुरु के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन जब बात अरब देशों की होती है तो ना सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी बल्कि हिंदुत्ववादी संगठन के बड़े बड़े नेता खुद को मुस्लिम हितेशी साबित करने में लग जाते हैं। अब इसे खौफ कहे या मजबूरी, लेकिन जब अरब वाले आंख दिखाते हैं तो पीएम मोदी का 56 इंच का सीना भी पिचक कर 6 इंच का रह जाता है। अभी अभी अरब वालों ने भारत में एक मॉल खोला है जिसका नाम है लुलू। इस मॉल को देश के सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खोला गया है। इस मॉल को उत्तर भारत समेत यूपी का सबसे बड़ा मॉल कहा जा रहा है। बीते 10 जुलाई को इसका उद्घाटन करने के लिए खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। घूम घूम कर मॉल का संज्ञान लिया और इसी बहाने मॉल का प्रचार भी हो गया, जिसके बाद इस मॉल की शोहरत में 4 चांद लग गए। लेकिन अपनी आदत से मजबूर योगी और मोदी जी के अंधभक्तों ने सारे किए कराए पर मानो पानी ही फेर दिया हो। अंधभक्तों ने लुलू मॉल के नाम पर जिस तरह का गंद फैलाया है, इसकी दुर्गंध यूपी के लखनऊ से निकलकर यूएई तक पहुंच गई है। अब अंधभक्तों ने लखनऊ में बहुत ही जबरदस्त तरीके से अरब वालों को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। अरबी शेखों की वाहवाही लूटने के लिए
योगी जी ने जिस मॉल का फीता काटा था उसी मॉल का पत्ता काटने के लिए हिंदुत्ववादी संगठन आगे आ चुके हैं और मॉल जिहाद का नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। लुलु मॉल के खिलाफ हिंदुत्ववादी संगठनों ने ऐलाने जंग छेड़ दी है। लुलु मॉल में शिवजी का जलाभिषेक करने का भी ऐलान कर दिया गया है। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के बाद अब जलाभिषेक, यानी कि ये कहा जा सकता है कि अब भारत में मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए भले ही लुलु मॉल के नाम से नए जिहाद की उत्पत्ति करने की कोशिश की गई हो, भले ही मॉल जिहाद के नाम से एक बार फिर से देश को उसी माहौल में घेरे रखने की कवायद की जा रही हो जहां एक तरफ मुस्लिम है तो दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी संगठन। लेकिन इन सब के बीच अनभक्त ये भूल गए हैं कि इस तरह की करतूत का दूसरा मतलब यह भी है कि अब अनभक्त अपने ही लुटिया डुबोने में लग गए हैं। लुलु मॉल के पूरे विवाद पर अब तक 25 गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। बहरहाल इस नए जिहाद पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अल्लाह ताला हम सभी को जिहाद के मकसद को समझने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।